अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हुदी एकेडमी में खुशामदीद। और प्राइमरी क्लासेस में जनाब हम ग्रेड वन में लर्निंग कर रहे हैं उर्दू की। और उर्दू में आज हमारी जो लर्निंग करने की जो वाली है या जिस चैप्टर की आज हम लर्निंग कर रहे हैं वो है सबक नंबर 5 किरण का घराना। पेज नंबर 98 है बच्चों, आप किरण का घराना निकालिए। इस सबक की मैं रीडिंग करूँगी और फिर इसके बाद इसकी छोटी सी आपको एक्सप्लेनेशन बताऊँगी, बहुत आसान है। अच्छा जी, खुला सहन, फूलों की क्यारी और साफ सुथरे कमरे, ये किरण का घर है। सब बच्चों को पता होगा, आपका घर भी बहुत अच्छा होगा, आपके घर में कितने कमरे होते हैं, आप अपने घर को कैसा रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, क्योंकि घर वो जगह है जहाँ हम सब अपना पूरा दिन रहते हैं, वहाँ अपनी जिंदगी गुजारते हैं। तो उस चीज़ से हमें बहुत सारी चीज़ें मतलब हमारी यादें वाबस्ता होती हैं, या हम उस चीज़ को बहुत अच्छा रखते हैं, क्योंकि जो इंसान की अपनी चीज़ होती है उसका बहुत ख्याल रखता है। तो घर भी आपकी अपनी चीज़ है, जहाँ पे आप रहते हैं दिन रात हम वहीं होते हैं, तो हम उस अपने घर का भी बहुत सा ख्याल रखते हैं। तो इसमें इन्होंने किरण का घर बताया कि किरण का घर बहुत साफ सुथरे कमरे होते हैं उनके, उनके घर में फूलों की क्यारी है। अच्छा जी, ये किरण का घर है, सामने अम्मी जान और अब्बू जान का कमरा है, फूलों की क्यारी और सबसे सामने जो है अम्मी और अब्बू जान का कमरा है, और साथ वाले कमरे में किरण और उसका भाई असद रहते हैं। यानी कि जो छोटे छोटे से बच्चे हैं किरण और असद, ये दोनों इनका कमरा उनके कमरे के बराबर में है। और फिर इनके कमरे के बाद उनकी दादी का कमरा है, उससे अगला कमरा दादी का है। अगला का मतलब बताया ना कि आगे वाला या नेक्स्ट। तो किरण पहले अम्मी अब्बू का कमरा आया, फिर उसके बाद किरण और असद का आया, और किरण और असद के बाद किसका आ गया, अब्बू का कमरा आ गया, वो दादी का कमरा आ गया। लो देखो, असद और किरण दादी जान के कमरे में बैठे हैं और वो दादी से कहानी सुन रहे हैं। यानी किरण और असद जो थे वो अपनी दादी जान के साथ बैठे हुए थे और वो उनसे कहानी सुन रहे थे। दोनों को कहानी सुनने का बहुत शौक है, आखिर क्यों ना हो, दादी जान मजे मजे की जो कहानियां सुनाती हैं। किरण के घर के करीब ही मामू जान का घर है, मामू जान की एक बेटी साइमा है। यानी कि किरण के घर में दादी जान रहती हैं और दादी जान बहुत मजे मजे की कहानियां सुनाती हैं। और इसके बाद किरण के घर के बराबर में उनके मामू रहते हैं, उनकी बेटी का नाम क्या है, मामू जान की बेटी का नाम साइमा है, और साइमा हर रोज किरण के घर आती है। किरण, असद और साइमा मिलकर खेलते हैं, मिलकर पढ़ाई करते हैं, किरण का खानदान प्यार और मोहब्बत से रहता है, सब लोग इनकी तारीफ करते हैं। अच्छा जी, अब पहले ये बताएं असद और किरण कहाँ बैठे थे। तो बच्चों आपने चैप्टर पढ़ रहे थे तो आपको पता चल गया होगा, है ना, असद और किरण दादी जान के कमरे में बैठे थे और वो क्या कर रहे थे, वो कहानी सुन रहे थे। अच्छा जी, उनके घर में रोज कौन आता था, तो उनके घर में किरण के मामू की बेटी साइमा जो के रोज आती थी। अच्छा, मामू की बेटी का नाम क्या है, तो मामू की बेटी का नाम है साइमा। अब हमने सीखा, हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि किरण के घर में उसकी अम्मी अब्बू भाई और दादी रहती हैं। किरण का खानदान आपस में बहुत प्यार मोहब्बत से रहता है, किरण को कहानियां सुनना और साइमा के साथ खेलना अच्छा लगता था, क्योंकि किरण अपनी दादी के कमरे में बैठी कहानियां सुनती थी और जब उसकी दोस्त या उसकी कजन साइमा आती थी तो वो लोग आपस में मिलकर पढ़ते भी थे और खेलते भी थे। मतलब किरण कहने का ये कि किरण का घर बहुत अच्छा था, बहुत आइडियल था, जहाँ पे वो लोग अपने घर को भी अच्छा रखते थे, साफ सुथरा और हर चीज वेल मैनेज थी, मतलब बिल्कुल कह सकते हैं कि हर चीज को उन्होंने बहुत तरीके से रखा हुआ था। और फिर उनके घर की जो लोकेशन बताई गई है कि सबके कमरे बिल्कुल बराबर में थे और तमाम कमरे साफ सुथरे होते थे, और फिर बराबर में मामू का घर था। मतलब ये लोग सब आपस में कैसे जिंदगी गुजार रहे होते, प्यार मोहब्बत से, कोई आपस में लड़ाई झगड़े नहीं करते, तो इसलिए लोग उनकी तारीफ करते हैं। तो बच्चों आपने भी ये काम करना है कि तो आपने अपने घर को बहुत अच्छा रखना है, साफ सुथरा रखना है, गंदा नहीं रखना है। अगर आपकी मम्मा आपके घर को साफ रखती है और मतलब सफाई हो जाती है तो उसके बाद भी आपकी क्या, आपको क्या ख्याल करना चाहिए कि घर को नहीं फैलाएं। अगर आप अपनी कोई चीज लेकर जाते हैं या निकालते हैं तो जब आप अपना काम कंप्लीट कर लें, किसी चीज से टॉय से खेल लें, तो उसको उसकी जगह पर वापस ले जाके आपने रखना है, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो बात आती है कि आपस में प्यार मोहब्बत। तो जब हम अपने घर में होते हैं तो सारे जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं, जो खानदान वाले होते हैं, आपस में एक दूसरे का ख्याल करें, एक दूसरे से प्यार से रहें, एक दूसरे से मोहब्बत से रहें, और इसके अलावा जो बराबर में हमारे होते हैं रिश्तेदार पड़ोसी, उनका भी ख्याल रखें, ठीक है। तो इस वजह से फिर दूसरे लोग भी आपकी तारीफ करते हैं और देखते हैं, कहते हैं कि भाई ये लोग इतने आपस में अच्छे से रहते हैं। और यही आप असल वो है कि आपको आपस में एक दूसरे से बहुत ही प्यार मोहब्बत से मिलजुल कर रहना चाहिए और अपनी चीजों का ख्याल रखना चाहिए। वो इवन कि वो आपका अपना घर है तो अपने घर को तो बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, कुछ साफ सुथरा रखें और गंदगी ना करें, चीजों की केयर करें, ठीक है। तो ये तो हमने इस चैप्टर की रीडिंग कर ली, इसको समझ लिया, इसके चैप्टर के अंदर जो बात बताई गई थी किरण के घराने की बताई थी। और इसी तरह जब हम अच्छे रहेंगे, हम लोग अपने घर की चीजों को अच्छा रखेंगे, तो हमारे घराने की भी दूसरे लोग मिसालें देंगे और तारीफ करें। और मुझे अंदाजा है कि आप में से बहुत सारे बच्चों की तो घर के लोग पाले पड़ते होंगे कि बच्चे भी कितने अच्छे हैं, उनकी फैमिली कितनी अच्छी है। जब आप अच्छे से रहते हैं, बाहर निकलते हैं, तो फिर आपकी जो स्टाइल होता है, आपका जो रख रखाव होता है, उससे फिर लोगों को पता चलता है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। क्योंकि आप जब कहीं बाहर होते हैं तो आप अपनी जगह अपनी फैमिली को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो तारीफ किसकी होती है, आपकी फैमिली की होती है, कि आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, आपके वालदैन की तबीयत बहुत अच्छी है और आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं, चीज़ों की वैल्यूज को बहुत अच्छे से समझते हैं।
तो सिर्फ घराना जो होता है ना वो एक घराना नहीं होता, उसमें बहुत सारी पर्सनालिटीज के साथ जो है वो रिप्रेजेंटेशन होती है कि आप किसी बड़े के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, बच्चे के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, ये बहुत मैटर करती है। तो इससे हमें पता चलता है कि घराना जो है कितना इंपॉर्टेंट है, घराने से जो है बंदे का पता चल जाता है कि वो बंदा का बहुत अच्छे से फैमिली, बड़ों की रिस्पेक्ट है, बच्चों से शफ़क़त से पेश आते हैं, तो इसका मतलब है कि उनको फैमिली वैल्यूज पता है। ठीक है, तो बच्चों ये आज की चैप्टर की कहानी जिसमें आपने एक बच्ची किरण थी उसके घराने को देखा, उसकी तेजी की किस तरह वो घर रहते थे, तो इसी तरह आपने अपने घराने का भी ख्याल करना है, अपने घर वालों का भी बहुत सारा ख्याल रखना है, बिल्कुल तंग नहीं करना, उन्हें परेशान नहीं करना, और मेरे को साफ सुथरा रखना है ताकि जब आप बाहर बैठे तो आप लोग आपकी तारीफ करें और आपके पेरेंट्स का सर पकड़ से उठ जाओ। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्लासेस में हम इसके मशकें करेंगे, जिसमें 5 महीने की मशक है, बहुत सारी मशकें वो हम अपनी अगली क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज तक के लिए हमने सिर्फ इसको रंग पानी और इसकी वजाहत की है, इसको ईमानी समझे। ठीक है, अच्छा मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन जाने से पहले आपने बिल्कुल नहीं भूलना है, बिल्कुल लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस हिसाब से अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। इजाजत दीजिए मुझे, अल्लाह हाफिज।